हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एलपी वेल्डर और एचपी वेल्डर में क्या डिफरेंस है। अभी आप जो देख रहे स्क्रीन में, ये एलपी लाइन का जॉब है। ज़्यादातर एलपी लाइन का जॉब रिफाइनरी या फिर स्टील प्लांट या फिर गैस प्लांट में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एमएस का जॉब रहता है जो कि 70H2 फिलर से मारा जाता है, 7018 रॉड से कैपिंग किया जाता है। क्योंकि इस तरह का जॉब में ज़्यादातर क्रिटिकल पोजीशन कम होता है, इस तरह का जॉब करने के लिए एलपी वेल्डर का ही ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो जब एलपी वेल्डर का बात आ ही गया तो आपको बता दूं, एलपी का मतलब रहता है लो प्रेशर वेल्डर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे एलपी वेल्डर का जॉब क्या होता है, एलपी वेल्डर क्या होता है और उसका जॉब किस तरह का होता है। चलिए अब बात करता है एचपी वेल्डर के बारे में। तो एचपी का मतलब होता है हाई प्रेशर वेल्डर, जो हम लोग आईवीआर वेल्डर भी बोलते हैं। अब जब आईवीआर के बात आए गए हैं तो आईवीआर का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। कोई भी एलो स्टील का जॉब करने के लिए आपको इस तरह का आईवीआर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो बॉयलर इंस्पेक्टर के पास से मिलती है। अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं, एलो स्टील का जॉब करने के लिए इस तरह का आईवीआर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये ज़्यादातर पावर प्लांट में देखा जाता है जो कि काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन होता है। इसमें अभी वेल्डिंग हुआ नहीं है, अभी फिटअप भी नहीं हुआ है। इस तरह का जॉब करने के लिए आपको ज़्यादातर 80V2, 90V3, 90V9, R31, 304 इस तरह का इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। पावर प्लांट में ज़्यादातर एलो स्टील का ही जॉब रहता है, इसीलिए पावर प्लांट में ज़्यादातर आईवीआर वेल्डर का ही जॉब रहती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो में लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई गए हैं। अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हेवी ऑल का एक जॉइंट है जिसका थिकनेस है 110 mm। इस जॉइंट का रूट हॉट फ्लश मारने के बाद 2 राउंड मारा गया है, 25 mm तक वेल्डिंग इसका हो चुका है। क्योंकि 25 mm के बाद इस जॉइंट को एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में रिपोर्ट आने के बाद, पास होने के बाद फिर इस जॉइंट को फुल कंप्लीट किया जाता है। इस जॉइंट को मिलर मशीन से हीट किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से मिलर मशीन से हीट किया जाता है तो ऑलरेडी इस चैनल में वीडियो बना हुआ है, आप ऊपर में बेल आइकन में जा करके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आप इसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ जा करके इस वीडियो को आप देख पाएंगे।
आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे HP वेल्डर और LP वेल्डर में क्या डिफरेंस है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।